सलाफे, हमें नए साल के लिए बहुत सारी मोटिवेशन चाहिए फिटनेस के लिए, कि हमें फिट रहना है, योगा करना है, अपने आप को फ्रेश रखना है। तो आज आप हमें क्या क्या टिप्स देने वाले? आज हम बहुत आसान करने वाले चीज़ों के लिए समझ लें कि उनके लिए गिफ्ट है, हम ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं बताएंगे, कुछ सेट्स बता देंगे। अब बैठे बैठे हम गिफ्ट दे देते हैं आपको, आप टीवी देख रहे हैं, आप जागो लाहौर देख रहे हैं, तो आपको देखिए अभी शुरू हो जाएं। हाँ बिल्कुल, देखते देखते अब शुरू हो जाएं, साथ ही साथ बल्कि साथ साथ करें। तो मेरी मम अक्सर करती हैं देखकर मेरे साथ, तो अभी वो कर रही होंगी फॉलो। सबसे पहले आपने यहाँ क्रंच से पहले आपने क्या किया, अपने हाथों को यहाँ टाइट बिल्कुल आपने रखा, स्टिफ रखते हुए सामने लेकर आए और यहाँ पर अब इस चीज़ को आप, अगर आपको दिखने में आसान लग रही होगी लेकिन ट्राई टू ज्वाइन, ठीक है, इसको ज्वाइन करना है। अब जैसे ही आपने इसको करना शुरू किया बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, लेकिन अब आपने इसको 30 टाइम्स आप एक दफ़ा में करेंगे, आपको यहाँ स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक ये। अब दूसरी चीज़ साथ ही साथ आपने क्या किया, बिल्कुल आप एज पर आ गए जहाँ तक आपका आना आसान है, पीछे स्पेस है, आपने यहाँ हाथ रखा और जो हम सिटअप करते हैं ये आप कर सकते हो, कंप्लीट आप आगे नहीं आओगे क्योंकि आपको चाहिए यहाँ पर स्ट्रेस, बैक एंड फोर्थ आप आते जाओगे। इसको आपको इस टाइम पर टाइट रखना होता है, अपने पेट को स्क्वीज करने आपने अपने मसल्स एंड एक्सहेल, आपने ये चीज़ की। अब होता है हमारे क्या बल्जेस और ये सब कुछ, याद रखे रेजोल्यूशन नॉर्मली हमने वही बनाया होता है जब हमने करना ही नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बहुत जरूरी है। तो आपने इनहेल किया, अब आप सोफा पे जहाँ पर भी बैठे हुए हैं आप अपना हाथ यहाँ रख ले, इट्स वेरी इजी, इसमें कोई भी रूल्स नहीं है। आपने यहाँ पर एक्सहेल किया, और बॉडी शेमिंग के बारे में कहना चाहती हूँ, ये जो इससे बच जाएं, अगर आपको कोई मोटा पतला कहता है, सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अगर मोटे भी हैं लेकिन आप फिट हैं तो आपने इस पर बिल्कुल भी शेमिंग नहीं करना, सेहत है तो सेहतमंद आप ठीक है। अब बैठे बैठे यहाँ आपको देखा गिफ्ट मिल रहा है आपको न्यू ईयर का, एनर्जी इतनी है। अच्छा, अब आपने ये करना है यहाँ हाथ रखा और ऑपोजिट लेग आप अपनी लिफ्ट करेंगे, जैसे ही आपने इसको लिफ्ट किया आप साइड पर क्रंच कर गए, सेम इसी तरह खड़े होकर भी तो करते हैं, आप खड़े होकर भी करते हो, वो स्टैंडिंग होता है, या आप कई दफा बिल्कुल नीचे भी आते हो। ये चीज, ये थोड़ा सा इंटेंस हो जाएगा, आज हम आपको गिफ्ट देने वाले हैं आसान आसान, तो इसलिए आपने ये सिर्फ और सिर्फ साइड और दूसरा ऑपोजिट इसी तरह किया। तो याद रहे सबसे पहले आपने क्या किया, सिटअप, और हम जो शुरू में बता रहे थे ये चीज, और उसके बाद ऑपोजिट। अगर इसको इंटेंस बनाना है आपने बैठे बैठे, आपको ब्रेक, अगर ब्रेक आई हुई है तो उस दौरान आप इसको ये करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप ये एक्सरसाइज मिस करें। दूसरी चीज जो नेक्स्ट आज हम क्या करना चाहते हैं कि आज हम एक सेट बता देते हैं बड़ा आसान सा। अब करना आपने क्या है, जैसे ही आप एक्सरसाइज के मोड के अंदर, आप जिम में हैं, कहीं भी हैं, आपने सबसे पहले रोटेशन शुरू कर दी, रोटेशन ही होगा आपका, साथ ही साथ वार्म अप होना शुरू हो जाएगा, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज से पहले डेफिनेटली आपको वार्म अप बहुत जरूरी है, आपके जॉइंट्स वगैरह मूव करना बहुत जरूरी है। आपने मूव किया जॉइंट्स को, सेम इसी तरह इस चीज को। अब हाई नी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाई नी मैं नाम से कह रही हूँ, आप ज्यादा इसको उठाओगे ही नहीं, आपने सिर्फ यहाँ तक रखा, सिर्फ अपने आपको आप माइंड को आप ट्रिक दे रहे हो, वार्म अप भी होगा, और अब अगर इसको आप तेज करते जाएंगे तो ये एक्सरसाइज की तरफ चलता जाएगा। तो समझ लें कि वार्म अप के अंदर हम आपको वेट रिडक्शन आज बता रहे हैं। दूसरी चीज आपने क्या करना है, लेवल्स के अंदर साइड स्ट्रेच करनी है। लेवल वन आपने क्या किया, इनहेल, ठीक हो गया। अब ये लेवल है कि यहाँ पहले आपका ये हिस्सा टारगेट होगा, एक्सहेल, अगेन इनहेल। अब आपको ज्यादा पुश नहीं करना, ये किस लिए सलाफ है, ये अभी है कि आपका ये एरिया यहाँ पर टारगेट हो रहा है जो साइड, क्योंकि साइड एंगल नॉर्मली हम उस पर काम नहीं करते, प्लैंक भी कर रहे हैं ना, तो नॉर्मली लोगों को फिर भी साइड एंगल के लिए जरूरत होती है एक्सरसाइज, क्योंकि कुछ की ये यहाँ पर फैट बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मली वो स्टक हो जाता है, तो स्टक फैट जो है आपका इस चीज से जाएगा। या नॉर्मली अब आपको अगर कुछ नहीं करना, एक तो आपने लेवल टू तक जाओगे, जितनी लेग्स आप वाइड इजिली कर सकते हैं, दीवार पीछे हो तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आपका बैलेंस आउट ना हो, प्रॉब्लम है वो बैलेंस आउट ना हो, ठीक है। आपने अब ये आपका सारा एरिया टारगेट होगा, लेवल टू की जो मैं बात कर रही हूँ, इसमें आपका सारा एरिया टारगेट हो रहा है। दिखने में ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन आपको ये बेनिफिट बहुत देने वाली है, लेकिन ये मुश्किल भी होगी, मुश्किल भी होगी, लेकिन इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा सुकून के साथ, जहां तक अब शुरू में अगर आप यहाँ तक भी जा सकते हो इट्स गुड, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें 10 काउंट करते करते पुश करने की खुद को, थोड़ी सी पल्सेस में, अगर आप आगे जा सकते हो ठीक, अदरवाइज वही रुक जाओ, ये आपकी लिमिट है, उसको हमने क्रॉस अभी शुरू